किया एक और केस, राबड़ी आवास समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी के खिलाफ ताजा भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। दिल्ली और बिहार में करीब 17 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। मामला आरआरबी में हुई गड़बड़ी का बताया जा रहा है। 2004 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी मिशा भारती के खिलाफ उनके कार्यालय के दौरान भर्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर नए सिरे से केस दर्ज किया है। उसी मामले में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। राजधानी पटना के साथ साथ गोपालगंज में भी लालू प्रसाद यादव के पैतृक घर पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव की बेटी मिशा भारती के आवास पर भी सीबीआई की छापेमारी जारी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव इसी आवास में है। बताया जा रहा है कि दिल्ली, पटना और मध्य प्रदेश के भोपाल में भी ये छापेमारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।